पंजाबी बाग के जन्माष्टमी पार्क में सालासर धाम विकास समिति द्वारा 18वें धाम जन्मोत्सव आयोजन किया गया। इसमें स्थानीय नेता सहित समिति से जुड़े गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। पिछले 18 वर्षों से ये समिति हनुमान जयंती के अवसर पर जन्माष्टमी पार्क में हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन करती आ रही है। इस शुभ घड़ी पर देश के सुप्रसिद्ध भजन गायक भाई अजय याग्निक जी ने सुंदर कांठ का पाठ करके श्रद्धालुओं को मोहित कर लिया। आइए देखते हैं हमारी संवाददाता सविता भारती की रिपोर्ट। नमस्कार, दिल्ली टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम खड़े हैं पंजाबी बाग के जन्माष्टमी पार्क में, जहां पर सालासर धाम समिति द्वारा हनुमान जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पूरे भारत वर्ष में हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हनुमान जी हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, उनसे बड़ा कोई सेवक नहीं हुआ। निस्वार्थ सेवा उन्होंने जीवन भर श्री राम की और जब भी राम जी ने उन्हें कहा कि कोई पद ले लो, कोई स्थान ले लो, तो उन्होंने सदैव मना किया। हमें हनुमान जी से आज प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने समाज की, अपने देश की निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। आज के दिन यही संदेश अपने सभी भाइयों को मैं देना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान। सालासर धाम विकास समिति का ये 18वां हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम है और हर साल हम इसको इसी प्रकार भव्य रूप से मनाते हैं। हमारे इस समय संस्था के लगभग 700 ट्रस्टी हैं, लेकिन हम इस वाले उत्सव के लिए हम पूरी दिल्ली, देश में सब जगह से हम लोगों को आमंत्रित करते हैं। सभी लोग यहाँ पधारते हैं। आप देख रहे हैं भवन की साज सज्जा कितनी सुंदर है। ये भी हमने बाहर से कारीगर बुलवा कर यहाँ पर इसी स्थल पर 3 दिन तक मेहनत करके बनवाया है। इस पूरे पंडाल में अजय याग्निक जी इस समय सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं और आने वाले थोड़ी देर में संजय मित्तल जी गुणगान करेंगे। यहाँ पर ट्रस्टियों के लिए, आए हुए लोगों के लिए, सभी के लिए विशेष भंडारे की व्यवस्था है। इस मौके पर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के पश्चिमी जोन के अध्यक्ष कैलाश सांकला ने कहा कि जन्माष्टमी पार्क की जन्माष्टमी व रामलीला विश्व प्रसिद्ध है। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएंगे? आज हमारी ये सालासर धाम विकास समिति पंजीकृत जो पंजाबी बाग है, विगत अनेक वर्षों से यहाँ हनुमान जयंती मना रही है और बहुत ही पावन अवसर है। बहुत सुंदर तरीके से हमारी ये समिति, जिसमें सुभाष जी, श्री नरेश अग्रवाल जी और इनकी पूरी टीम, मैं इनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जो हनुमान भक्त हैं वो आज देख रहे हैं हजारों की तादाद में यहाँ आकर के और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हैं। और आज के इस शुभ अवसर पर, हनुमान जयंती पर, मैं अपने दिल्ली की पूरी जनता को, इस देश की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और इस भव्य आयोजन के लिए पूरी हमारी जो समिति है उनको मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि बड़ा अच्छा सुंदर कार्यक्रम हर साल की तरह करते हैं। हजारों लोग पंजाबी बाग में, जो हमारी ये पावन धरती है जन्माष्टमी पार कर, यहाँ जन्माष्टमी पूरे विश्व में सबसे बड़ी जन्माष्टमी हमारे यहाँ होती है और यहाँ रामलीला हमारी बहुत अच्छी होती है। इसी तरह जो पंजाबी बाग की पहचान है हमारी, यहाँ आप देखते हैं कि रामलीला, दशहरा और हमारे गुरुद्वारे का बहुत बड़े कार्यक्रम यहाँ होते हैं। तो इस पंजाबी बाग की पावन धरती पर और ये सालासर धाम जो विकास समिति ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है कि आज हजारों की तादाद में आप देख रहे हैं पूरी लाइन लग रही है यहाँ और ये हनुमान भक्त, यहाँ राम भक्त आज आकर के और इस उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। मेरे को बड़ा आनंद मिला, बहुत अच्छा लगा और मैं हर साल आता हूँ और मैं इस अवसर पर सभी समिति के सदस्यों को पुनः उनका आभार व्यक्त करता हूँ।